एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं Realme X2 के चार्जिंग स्पीड के बारे में। जी हाँ, Realme X2 में Realme UI अपडेट के बाद लोगों का कहना है कि इनका चार्जिंग स्पीड स्लो हो गया है और साथ ही फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है चार्ज करने के समय में। तो यहाँ पर हम दो फ़ोन को टेस्ट करने वाले हैं, Realme 6 और Realme X2 को, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में आपको 30 वाट का चार्जर दिया गया है और दोनों ही फ़ोन में Realme UI Android 10 इंस्टॉल है। तो यहाँ दोनों फ़ोन को चार्जिंग में लगाने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन को चार्ज होने में कितना समय लगता है और चार्जिंग के समय में कौन सा फोन कितना हीट हो रहा है। तो जिनको भी जानना था Realme X2 का चार्जिंग टाइम आफ्टर अपडेट, वो क्लियरली यहां देख पाएंगे। और साथ ही जिन लोगों को ये देखना था इन दोनों फोन में से कौन सा फास्ट चार्ज कर रहा है, उनको भी इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर से वीडियो को देखिए, और अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हो टेक्नो अड्डा। दोनों ही फ़ोन में आपको सेम चार्जर जरूर दिया गया है 30 वाट का, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी है वो अलग है। Realme X2 में 4000 mAh की बैटरी है, तो वहीं पे Realme 6 में आपको 4300 mAh का बैटरी दिया गया है। और चार्जिंग टाइम जरूर से डिफर हो जाएगा उम्मीद है मुझे, लेकिन उसकी जानकारी हमें वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन को कितना समय लगा है चार्ज होने में। तो यह हमने चार्जिंग स्टार्ट कर दिया है और साथ में टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए भी रख लिया है कि आगे जैसे ही फ़ोन चार्ज होगा तो हम टेम्परेचर भी चेक करते रहेंगे समय समय पे। 12:25 में हमने चार्जिंग स्टार्ट किया। यहाँ पर टाइमर नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तीन ही डिवाइस है, दो डिवाइस को मैं चार्ज में लगा रहा हूँ और एक डिवाइस जो मेरे पास है जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टाइमर के लिए कोई एक्स्ट्रा फोन नहीं था, इसलिए मैंने टाइम को ही नोट कर लिया है। शुरुआत की जो स्पीड है वहाँ पे भी गैप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक में 2% है तो दूसरे में 3% है। 6 अभी थोड़ा 1% स्लो है और जो X2 है वो यहाँ पे फास्ट दिख रहा है। आगे देखते हैं कि कौन सा फ़ोन फास्ट और कौन सा फ़ोन स्लो रहता है। 18 मिनट बाद जब हमने चार्जिंग चेक किया कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है अपोजिट आ चुका है। स्टार्टिंग में Realme X2 आ गया था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 4-3% का गैप है अभी दोनों फ़ोन के बीच में। Realme 6 32% है, तो वहीं Realme X2 29% चार्ज हुआ है 18 मिनट में। और अगर टेम्परेचर देखेंगे तो Realme 6 35.8 और Realme X2 जो है 36.2 बता रहा है। तो डेफिनेटली Realme 6 थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो रहा है शुरुआत में ही। अब देखते हैं आगे और कितना हीट होता है। उसके बाद हमने 43 मिनट बाद जब चार्जिंग चेक किया तो जो रिजल्ट है वो फिर से Realme 6 में ही ज़्यादा है। जी हाँ, Realme 6 73% चार्ज है, तो वहीं पे Realme X2 70% चार्ज है। 3% का यहाँ गैप है, 3-4% जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक मैं 1% जो है ज़्यादा हो गया, 3-4% का यहाँ गैप है। और अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो Realme 6 यहाँ पे 36.6 हीट हुआ है, तो वहीं पे X2 37.6 हीट हो गया है। तो जरूर से Realme X2 हीट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और Realme 6 थोड़ा सा कम है Realme X2 के कंपेयर में। और फाइनली 67 मिनट बाद, जी हाँ, 1:31 पे Realme 6 फुल चार्ज हो गया 100%, लेकिन Realme X2 अभी भी 91 पे ही अटका हुआ है। और Realme X2 में हमेशा से यही होता है, लेकिन जैसे ही 85-90 के आसपास आता है चार्जिंग इसकी स्लो हो जाती है, जो कि Realme 6 में ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। जो स्पीड से चार्ज हो रहा था वह स्पीड से ही चार्ज होते रहा। और Realme X2 बचा हुआ है, अभी देखते हैं कितना समय लगेगा इसे चार्ज होने में, लेकिन उससे पहले एक बार टेम्परेचर को भी जरूर से मैं चेक कर लेना चाहूँगा कि टेम्परेचर कितना हुआ है। Realme 6 का टेम्परेचर 35.4, तो जरूर से फुल चार्ज होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। और वहीं पे Realme X2 35.7, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि चार्ज जब 85 और 90 के आसपास पहुँचता है तो स्लो हो जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो Realme X2 का भी टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो अब फाइनली Realme X2 का ही इंतजार है कि इसको चार्ज होने में कितना समय और लगने वाला है, क्योंकि हमारा 6 तो चार्ज हो चुका है। और फाइनली Realme X2 भी 1:49 यानी कि 84 मिनट में फुल चार्ज हुआ है। तो यहाँ जरूर से टाइम इंक्रीज हो गया है। Realme X2 का मैंने बहुत सारा चार्जिंग टेस्ट किया, उसमें 72-73 मिनट चार्ज होने में लगता था, तो यहाँ डायरेक्ट जो है 10-11 मिनट का चार्जिंग जो टाइमिंग वो बढ़ गया है। जो लोग कह रहे थे Realme X2 को चार्ज होने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 84 मिनट में Realme X2 फाइनली फुल चार्ज हो गया है। और टेम्परेचर भी नॉर्मल ही है, 80 के बाद ही इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है,
तो डेफिनेटली टेम्परेचर कोई हाई लास्ट में नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में जरूर से रियलमी X2 का टेम्परेचर ज़्यादा रहा रियलमी 6 के कंपेयर में। और दोनों फ़ोन के बीच में अगर चार्जिंग कंपेयर जिनको देखना था तो आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा गैप हुआ है दोनों फ़ोन के चार्जिंग स्पीड को लेकर के। 67 मिनट में रियलमी 6 कंप्लीट चार्ज हो गया तो रियलमी X2 को 84 मिनट लग गया है फुल चार्ज होने में। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जिन लोगों को चार्जिंग स्पीड जानना था रियलमी 6 और रियलमी X2 का उनको सब कुछ पता चल गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो इन दोनों ही फोन से रिलेटेड तो कमेंट में बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो रियलमी से जुड़े जानकारी के लिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।